हेलो दोस्तों, वेलकम टू शोर एंड प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि नेदरलैंड वर्सेस नेपाल का जो ओडीआई मैच है, मैं उसका प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। तो आप लोगों को पहले बता देता हूँ, अभी जस्ट आपने संडे को देखा होगा कि इंग्लैंड में एक सीरीज हुई थी T20 मैच तीनों टीम के बीच में दोस्तों, मार और नेदरलैंड और नेपाल के बीच में। तो वो आपने देखा होगा, तो आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी स्क्वाड में चेंजेस है, ओडीआई टीम डिफरेंट है दोस्तों उनके T20 टीम से। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट प्रीव्यू दिखाऊंगा। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हो या सेफ खेल सकते हो या सेम टू सेम क्रिएट करोगे, लेकिन स्लाइडली कोई एक प्लेयर बैठने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ODI मैच है तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा आपको नेदरलैंड के प्लेयर रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप मैक्सिमम 6 प्लेयर रख के या 7 प्लेयर रख के नेदरलैंड के खेल सकते हो, और मिनिमम आप प्लेयर रखे नेपाल के 4 या 5 दोस्तों, से ज़्यादा ना रखें जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप एडवर्ड्स को ले सकते हो, क्योंकि ये नेदरलैंड की तरफ से एकमात्र कीपर है। बेन कूपर कई सालों से खेल रहे दोस्तों, और बेन कूपर के बारे में आप लोग को और मैं बता देता हूँ, बेन कूपर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहाँ पे भी T20 मैचेस होते हैं, वेस्ट इंडीज़, यहाँ सब खेलते ही, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर है दोस्तों। पहले गेंदबाजी भी करते थे थोड़ा बहुत, अब बंद कर दिया इन्होंने गेंदबाजी। तो बेन कूपर को ले सकते हो, महबूब को ले सकते हो दोस्तों, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया अभी इंग्लिश T20 लीग में। तो मे भी अब स्क्वाड ज्वाइन कर ले और खेलना चालू कर दे। आरिफ शेख, गेंदर मल्ला जो होंगे दोस्तों नेपाल के बल्लेबाज, मैक्स दाऊद ओपन करते हैं, वन डाउन आते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। माइकल रिपेन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनको भी ले सकते हो। और टीम में नेपाल के पारस खड़का, उनको भी आप टीम में ले सकते हो दोस्तों। संदीप लिम्बचिया, पीटर सीलर, फ्रेड क्लैसन, तो ये 11 प्लेयर हो गए। अगर आपको एडिट करना हो तो यहाँ से थोड़ा चेंजेस करके आप बना सकते हो। और कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो आप कूपर और मैबूर को रख सकते हो, ज़बरदस्त फॉर्म में थे दोस्तों। यहाँ पर संदीप लिम्बचिया को गेंदबाजी में, क्लैसन को रख सकते हो, सीलर, डाउड और रिपेन, तो ये आपकी कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे मैच में। अगर मैच क्लोज होता है या थोड़ा जल्दी विकेट गिरते तो उस बेस पे यहाँ पर थोड़ा रिस्की हो सकता है दोस्तों प्रेडिक्शन करना नेपाल के कीपर का। फिर भी अगर हम बात करें सुभाष खाखू रेल के, तो वो खेल सकते हैं दोस्तों, उनके हाई चांसेस हैं खेलेंगे खाखू रेल के, तो उनको आप ले सकते हो सुभाष को, या फिर यहाँ से आप खाखू रेल को खिला सकते हो। और थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो दोस्तों वेस्ले बारसी अब आ सकते हैं, ODI मैचेस में काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। बैस डी लीडे भी अच्छे बैट्समैन है, लेकिन वहाँ पर अब चांसेस कम है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बल्लेबाज तो नहीं रखा। तो बैस लीडले शायद खेल दे कंटिन्यू, बैस लीडे और बेन कूपर, जॉन मरबुर्ग, ये 4 बल्लेबाज हो सकते हैं और 2 ऑलराउंडर, तो बैस लीडले के भी चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं पर बैटिंग लाइनअप में आप ले सकते हो दोस्तों, थोड़ा अगर रिस्क लेना तो आप यहाँ पर रोहित कुमार पौडेल को ले सकते हो, स्लाइडली रिस्की हो सकती है। नेपाल की टीम का प्रेडिक्शन थोड़ा करना मुश्किल है क्योंकि यंग नंबर ऑफ प्लेयर रखा उन्होंने। वहीं पर दीपेंद्र सिंह अहिरे को ले सकते हो, सोमपाल कामी नेक्स्ट मैच में आ सकते हैं या इसी मैच में भी उनको चांस दिया जा सकता है, तो स्लाइडली रिस्की हो सकती है वो आपको स्मॉल लीग के लिए। अब यहाँ पर बात करें पॉलविन मिकरन, थोड़ा रिस्की है, सैन सेंटनर खेलेंगे नीदरलैंड की तरफ से, और नीदरलैंड की गेंदबाजी में पॉलविन मिकरन को डेफिनेटली खेलना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा गेंदबाज नहीं इनके पास। मैक डाउन, मैक रिपन मिला के 6 गेंदबाज होते हैं, अगर वो ऑलराउंडर में से कोई गेंदबाजी नहीं करता है तो उनके पास एक बॉलर शॉर्टेज पड़ सकता है। अगर मिकरन नहीं खेलेंगे तो हाई चांसेस हो जाते हैं मिकरन के भी खेलने के। वहीं पे शक्ति गुचन खेल सकते हैं, उनके चांसेस हाई हैं, और यहाँ पर बसंत रेग्मी वो भी खेल सकते हो। तो इतने प्लेयर को आप एडिट कर सकते हो दोस्तों, इनको ले सकते हो टीम में। दीपक सिंह अरे सेफ है आपके लिए, सेंटनर सेफ है, पॉलविन मिकरिक के हाई चांसेस है खेलने के, और गुचन खेलेंगे, रेग्मी खेलेंगे, क्रैमी थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, बास लिडले खेलेंगे, बर्सी खेलेंगे, कुकरेला के चांसेस हाई है खेलने के लिए, स्लाइडली रिस्की स्मॉल लीग के लिए। कुमार खेल सकते हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर नेपाल की बात करें, अगर पहली बल्लेबाजी करती है नेपाल तो उस कंडीशन में आप दोस्तों रख सकते हो नेदरलैंड के बॉलर को कैप्टन, क्योंकि नेपाल उनके सामने ज़्यादा रन नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है नेदरलैंड। तो वहीं पर अगर बात करें फर्स्ट बैटिंग करती है नेदरलैंड, तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं उनके टॉप के बल्लेबाज,
तो उनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। तो टॉप के बल्लेबाज में डेफिनेटली वसली बारसे अगर खेलते तो ओपन करेंगे, और उनके साथ ओपन कर सकते हैं यहाँ पर जॉन स्टेफन मैबूर या बासली डे, ये दो ओपन कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी। वन डाउन आएंगे बैन कूपर, देन आ सकते हैं स्टीफन मैबूर, तो ये चार प्लेयर हो जाते हैं। फिर उसके बाद कीपर आ जाएंगे स्कॉट एडवर्ड, फिर यहाँ से दो ऑलराउंडर मैक्स डाउड और माइकल रिपन, ये दो आ सकते हैं दोस्तों बैटिंग में। फिर माइकल रिपन या मैक्स डाउड ओपनिंग करेंगे उनके साथ, बास लीडे के साथ या बर्सी के साथ। तो थोड़ा इस तरह से लॉजिक होता है दोस्तों थोड़ा टीम में चेंज, क्योंकि मैक्स कूपर को मैक्स डाउड को हमने देखा ओपनिंग करते हुए, तो बर्सी के साथ ओपनिंग कर सकते हो या लीडली के साथ आ सकते हो ओपन करने, अगर बर्सी नहीं खेलते हैं, लेकिन बर्सी के खेलने चांसेस हाई है दोस्तों, काफ़ी बड़े खिलाड़ी है और इंग्लैंड में जबरदस्त फॉर्म में थे। मैबूर T20 ब्लास्ट में वहाँ से उनको लाया गया, तो हाई चांसेस है इनके भी परफॉर्म करने के, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा अगर स्क्वाड ज्वाइन कर लेते हैं। बैन कूपर डेफिनेटली खेलेंगे, स्कॉट एडवर्ड खेलेंगे, इस तरह से बैटिंग लाइनअप हो सकती है दोस्तों अगर ओपन करते हैं डाउट, तो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। डाउट को आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, और डेफिनेटली नेपाल की तरफ से आप दोस्तों रख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा माइकल रिपन को भी रख सकते हो, खड़का को रख सकते हो कैप्टन, अगर नेपाल पर थोड़ा रिस्क लेना हो तो आपके लिए संदीप लिमबिया। और ग्रैंड लीग में आप दोस्तों कांक बंद करके रख सकते हो, फ्रेड केल्सन, पीटर सीलर, ऐसे गेंदबाजों को रख सकते हो, अगर उनकी गेंदबाजी चलती है तो डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।